नमस्कार, आप देख रहे हैं जूनिस पोर्टल और मैं राजेंद्र प्रसाद। अब मैं बिनोरा ग्राम पंचायत में जो अब गांव आया है, पहले ये ग्राम पंचायत मोरपा में था। बिनोरा ग्राम पंचायत बनने के बाद ये गांव अब बाड़पनियाला जो गांव है अब बिनोरा पंचायत में आ चुका है, पहले ये मोरपा में था। और कहानी वहाँ से शुरू होती है कि 56 जो परिवार थे SC के, धोबी समाज के, एक हरिजन समाज का, उन 56 लोगों को ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी हुआ था। जो जमी थी, जो गोचर था, वो आबादी में कन्वर्ट करके पट्टा जारी हुआ। पट्टा तो सरकार ने जारी कर दिया, पट्टा तो विभाग ने जारी कर दिया, लेकिन आज तक उनको पट्टा नहीं मिला। किस लोगों को तो पट्टा मिल गया, बाकी जो लोग उनको पट्टा नहीं मिले। पट्टे मिलने के बाद उनको जगह नहीं दी गई, क्योंकि उस पर दबंग लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। अब मैं आपको वो जगह दिखा रहा हूँ साहब, 73 साल आज़ादी के बाद, जहाँ एक परिवार एक एक कच्चे घर में तीन तीन लोगों को रहना पड़ा, चार चार लोगों को रहना पड़ रहा है, और किस प्रकार वो रहते हैं, मैं आपको पूरी जानकारी दे रहा हूँ। और आप लाइक और कमेंट जरूर करते रहिए साहब। हम इतनी मेहनत करके ऐसे लोगों को निकालते हैं, ऐसे लोगों को बताते हैं, प्रशासन को अवगत कराते हैं, जनप्रतिनिधियों को अवगत कराते हैं कि गरीब परिवारों के साथ क्या हो रहा है। लोग कहते हैं कि हमारा देश बहुत विकासशील है और हमारा देश विकास करते जा रहा है, हमारी बहुत कुछ हमने किया, लेकिन क्या किया है वो हम आपको दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो आप देख लीजिए, ये वो जगह है, यहाँ से शुरू होती है कहानी। इनके जो घर है, 56-50 लोग रहते हैं, ये मैं आपको पूरी चीज़ दिखाऊंगा कि क्या पोजिशन से आ रहते हैं और कितने लोग रहते हैं। ये इनके घर है साहब, ये यहाँ से कहानी शुरू होती है। और ये जो आप देख रहे हैं, कच्चे जो घर देख रहे हैं, ये इनके घर हैं, जिनको पट्टा आवा जारी कर दिया, लेकिन इनको मिला नहीं है अभी तक। तो ये वो कॉलोनी है, और मुझे नहीं लगता कि ये 50 बाई 50 या 40 बाई 40 के अंदर ये इतना कुछ बना हुआ होगा। और ये आप देख लीजिए, ये इनके घर है साहब, जहाँ घुसड़ पुसड़ की जिंदगी। ऐसे तो फुटपाथ पे भी लोग नहीं रहते हैं, इस तरह से ये रह रहे हैं। ये देखो, सर्दी पड़ती है ना, देखो अब आप बताइए, अंदर आके देखो, इसमें मैं बकरी बांधती हूँ, 12 साल ससुर सोते मेरे, अंदर मैं सोती हूँ, गर्मी लाइट चल जाती थी ना, 12 एक खाट बिछाने की जगह। क्या नाम आपका? मनोज है। मनोज जी, तो क्या हालात है आपकी, बताइए। देखो ये हालत है हमारी, तो पट्टा आपको जारी हो गया? पट्टा आ गया, अमन को कोई भी जगह नहीं दे रहा, और कुछ भी नहीं मिला। पट्टा आपको दे दिया? हाँ, पट्टा दे दिया। कितने दिन हो गए पट्टा? 3 साल हो गया। तो 3 साल आपको जमीन नहीं दी गई अभी तक? बिल्कुल नहीं दी गई। तो ये आपका जो घर है, ये अभी यही घर है आपके पास? हाँ, यही घर है मेरा। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चा, 2 बच्ची और 1 बच्चा, और ये तो दूसरे इनको। अच्छा, ये दूसरा वाला? ये दूसरे का, ये मेरा। पति का नाम क्या आपके? राकेश। वो क्या करते हैं? वो काम कर रहे, सही मजूरी आदमी, हम तो बेलदारी कर रहे हम तो, और बेलदारी का। तो इस बारे में आपको ग्राम पंचायत को, SDM को, किसी को अवगत कराया आपने? कुछ भी नहीं करा। और ये अब ये साहब, ये भी दोनों का ही है? मेरा ही है। अच्छा, ये आपका है? अच्छा अच्छा, क्या नाम आपका? कमला जी। पट्टा मिल गया आपको? पट्टा मिल गया, मेरे बेटे को नहीं मिला। अच्छा, आपको पट्टा मिल गया, जगह मिली कि नहीं मिली? नहीं मिली भाई, पट्टा मिलने से कुछ ना जगह नहीं मिली ना आपको। और ये जो मकान है, ये इसमें बेटा सोता है, इसमें? अच्छा, इसमें इनका जो लड़का और बहू है, इसके अंदर तो आप रहते हो? ठीक है जी, इसके अंदर तो आप रहते हो, और इसके अंदर बेटा बहू रहते। आप देख लीजिए साहब, ये बेटा बहू यहाँ रहते हैं, और ये यहाँ रहती है। कितने बच्चे हैं आपके? दो बच्चे। दोनों की शादी होगी? हाँ, होगी। तो दूसरा कहाँ रहता है? दूसरा यहाँ रहता है। तो आपने, आपको पट्टा मिल गया, ठीक है, मेरी बात सुनो, आपको पट्टा मिल गया, तो आपको जगह नहीं मिली, तो जगह नहीं मिली, तो आपने कभी प्रशासन अधिकारियों से अब इस बारे में बात की? खूब कर ली, बिल्कुल आता ही नहीं। 3 साल हो गए सर। आपका नाम? साल हो गए, खूब हो गया। कोई सुनवाई नहीं होती? कोई सुनाई नहीं करता। कलेक्टर में जाया, कभी कहाँ कभी कहाँ, 10-20-30 हजार। कौन भगा देता है? कोई सुनता ही नहीं है, बड़ा लोग अधिकार सुनता ही नहीं है। हो जाएगा काम, हो जाएगा काम, ऐसे कहते भगाता है, कोई सुनता ही नहीं। पर्दा लगा के सोते हैं, चुपचाप बेटे बहु बतलाते, चुपचाप हम बतलाते, कुत्ता बराबर डर नहीं है हमारे। जाते हैं 10-20-30 हजार, बहुत खर्चा हो गया माधपुर जाओ तो हो जाएगा बेटा, हमने पास कर दिया। बामनोस जाओ तो माँ भी कहते हैं इतना जाने हो जाएगा, तारीफ हो रही है। तो इसमें तो बेटे रहता है, इसमें बहू रहती है, इसमें हम रहते हैं, तो हमारी सुनाई देख लो तुम।
पत्नी हमारे मान लो बहुत दुखी हो रहे हैं। तुम जाए सुलड़ाई होती तुम तो कोई इसमें बेटे बहुत घुसर पुसर होते। शर्म शर्म आनी चाहिए प्रशासन को भी, मैं चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ कि प्रशासन को भी शर्म आनी चाहिए और अधिकारी को भी शर्म आनी चाहिए। आखिरकार ऐसे गरीब लोगों के साथ इतना अन्याय कैसे सहन कर सकते हैं बेटे बेटे? इनकी कहीं सुनवाई नहीं, कलेक्टर ऑफिस में सुनवाई नहीं, एसडीएम ऑफिस में सुनवाई नहीं। और आइए ये देख लीजिए सर, ये आपका है साहब? अच्छा आपके बच्चे का। अब ये इस तरह से रहते हैं साहब, ये इनका घर है और इनको वही बात है, इनको पट्टे तो जारी कर दिए गए लेकिन अभी तक इनको जगह नहीं दी गई है। ये घर है साहब इनके, दिखाएं तो क्या दिखाएं और बात करें। हाँ ये आपका नाम क्या है? लल्ली। तो ये आपका ही घर है पूरा? नहीं हाँ ये पूरा जो भी है ये आपका ही है। तो तीन तो बेटा है, तीन बहू और दो आदमी। तीन बहू है, तीन बेटा है और दोनों आदमी आप है। तो सारे इसमें एडजस्टमेंट इसमें रहते हो आप? वो माँ है, एक बाहर पड़ा हुए हैं देखो इधर। आपको भी तो इनका भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है साहब, इनमें तीन बच्चे हैं और ये इनका एक पिताजी है वो इसमें रहते हैं। तो मैं कह रहा हूँ फुटपाथ पे जयपुर, और ये वो लोग है जो आज भी फुटपाथ की जिंदगी जीने के मजबूर है। सामने आ जाओ सब लोग, सामने आ जाओ आप। ये वो लोग है जो आज भी इस कॉलोनी में कहते हैं कि गांव की जिंदगी शान शौकत की जिंदगी होती है, गांव में किसी चीज की कमी नहीं होती और गांव में जो लोग रहते हैं वो हंसी मजाक प्रेम और प्यार से रहते हैं। लेकिन कितने और प्रेम और प्यार से रहते हैं वो आपने देख लिया। आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ। अरे रोटी को लिया, आप जैसे ही रोटी खा रहे हो लिया 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 जो दिखाओ आप। और मैं आपको, मुझे भी बड़ा दुख हो रहा है, ये आप देख लीजिए इनका खान पान। ये क्या है, ये क्या है? अब आप देख लीजिए कितने गरीब परिवार है। चना के जो होते हैं जो खेतों में, उन चना को कूट के और आज भी रोटी खाने के लिए मजबूर है। अब आप देख पा रहे हो इनकी मजबूरी, आप देख पा रहे हो। अगर कोई ये कहे कि ये